आज मैं आप लोगों को चार ऐसे मॉइस्चराइजर के बारे में बताऊंगी जो कि डेफिनेटली आपके स्किन को अमेजिंग रिजल्ट्स देंगे। साथ ही मैं चारों ही मॉइस्चराइजर जो है बहुत बजट फ्रेंडली होने वाले हैं, क्योंकि कई बार यार सबका बजट नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करो स्किन केयर में या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स में या कॉस्मेटिक्स में, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों में। तो बजट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए चार बेस्ट मॉइस्चराइजर चूज़ किए हैं जो कि डेफिनेटली आपके लिए अंडर बजट होने वाले हैं, साथ ही में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। सबसे पहला जो मॉइस्चराइजर है गाइस, वो है ये वादी हर्बल का ट्यूलिप ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर विद ग्रीन एलमंड एक्सट्रैक्ट। गाइस, ये जो मॉइस्चराइजर है ये ऑयली स्किन वालों के लिए बना है। ड्राई स्किन वाले इसको कतई नहीं यूज़ कर सकते, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज मेरा भी जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन है। तो ये मुझे भी सच कहूँ तो नहीं सूट करता। लाइक मेरी स्किन भी इसको लगाने के बाद डिहाइड्रेटेड फील होती है, मतलब खिंचा खिंचा सा फेस लगता है। लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी रहती है, तो वो इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी समर का मौसम आ चुका है तो समर में बहुत से लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है। आप लोग इस वादी के मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हो। ये आपके स्किन में क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, ऑल्सो साथ ही में ये आपको एक बहुत प्यारा सा ग्लो भी दे देता है। बात कर लेते हैं गाइज इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 105 रुपीज, यानी कि 105 रुपए में आपको ये 60 ml का मॉइस्चराइजर मिल जाएगा। बट ऑनलाइन मैंने इसको 99 रुपीज में परचेस किया था, तो ऑनलाइन भी मैं आपको लिंक इसका प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट जो हमारा मॉइस्चराइजर है गाइस, वो भी वादी का ही है, यानी कि वादी हर्बल का बैम्बू एज डिफाइंग मॉइस्चराइजर विद ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ये मॉइस्चराइजर जो है गाइस, ये कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बना हुआ है, जो कि मेरी है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, मेरी स्किन कभी नॉर्मल टू ड्राई हो जाती है अकॉर्डिंग टू वेदर, और कभी मेरी स्किन नॉर्मल टू ऑयली हो जाती है। लाइक अभी समर शुरू हो गया है तो अभी मेरा जो स्किन है वो नॉर्मल टू ऑयली वाले जोन में जा रहा है धीरे धीरे। तो ये वाला जो मॉइस्चराइजर है ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है। एंड अगेन इसके भी आपको सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है, एंड बहुत प्यारा सा ग्लो आपको दे देता है, डीप हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। एंड इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। प्राइस गाइस इसका भी 105 रुपया ही है, यानी कि 105 रुपीज में ही आपको ये मॉइस्चराइजर मिलेगा। एंड ऑनलाइन इसको भी मैंने 99 रुपीज में ही परचेस किया था। नेक्स्ट जो मॉइस्चराइजर है गाइस, वो है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। ये मॉइस्चराइजर के बारे में आई थिंक आप लोग पहले से जानते होंगे, आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते होंगे, बट फिर भी जो लोग नहीं करते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है यार स्किन केयर करना ज़रूरी ही नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपका स्किन जो भी हो, चाहे आपका स्किन का टाइप जैसा भी ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, आपको आपके स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज़ करते हुए स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं इस मॉइस्चराइजर की। तो गाइज ये जो मॉइस्चराइजर है ये डेफिनेटली जेल फॉर्म में है। जेल फॉर्म में है तो डेफिनेट ये प्रोडक्ट्स जो है ऑयली स्किन वालों के लिए बना है। इसको कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी नहीं यूज कर सकते, उनको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। ड्राई स्किन वालों को तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो जिनकी भी ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, आपकी स्किन ग्रीसी है, डल है, आप इस मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हैं, यानी कि पॉन्ड्स के सुपर लाइट जेल को यूज कर सकते हैं। ये क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करता, ऑयली नहीं करता आपकी स्किन को। एंड इसके अलावा क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई भी है, तो आपको ये एक बहुत प्यारा सा ग्लो भी दे देगा आपकी स्किन में। और बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है वो है 110 रुपीज, बट अगर आपको ये भी महंगा लग रहा है तो उससे भी छोटा पैक इसका अवेलेबल है, आप चाहे तो उससे भी शुरुआत कर सकते हैं, उसको भी ट्राई कर सकते हैं, वो आपको कुछ ऐसी 40 या 50 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वो आपको अच्छा लगता है यूज करने के बाद तो फिर आप बड़े में मूव ऑन कर सकते हैं। एंड लास्ट जो मॉइस्चराइजर है गाइस, अगेन वो पॉन्ड्स का ही है, यानी कि पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइजर। ये मेरा बेस्ट मॉइस्चराइजर है, मतलब
इससे पहले मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइज़र यूज़ किए, इसके साथ साथ भी बहुत किए, इसके बाद भी बहुत किए, बट लौट फिर के ना मैं इसी पे वापस आती हूँ हमेशा। मतलब इस जैसा इफेक्ट मुझे अभी तक किसी मॉइस्चराइज़र ने नहीं दिया। अगर मैं बात करूँ बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट की, अगर आप यू नो बजट बढ़ा के देखना चाहते हो तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला या इससे भी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला कोई मॉइस्चराइज़र मिल जाए, बट अंडर बजट ही अगर मुझे मेरे मन के रिजल्ट्स मिल रहे हैं किसी प्रोडक्ट से तो व्हाई नॉट, मैं तो इसी को यूज़ करूँगी। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि इसी को यूज़ करो। बात कर लेते हैं कि ये कौन सी स्किन टाइप को सूट करता है। ये अगेन कॉम्बिनेशन स्किन वालों को सूट करेगा। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, नॉर्मल टू ड्राई है हल्की फुल्की, तो ये आपको सूट करेगा। जैसे कि मेरी स्किन है, मैंने आपको बताया, जो इसकी खुशबू है, जो इसकी कंसिस्टेंसी है, जो इसका फील है लगाने के बाद, मतलब वो किसी में नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो अभी तक मुझे नहीं मिला कहीं पे भी। ये जो मॉइस्चराइजर है गाइज, ये आपको क्रीमी कंसिस्टेंसी में मिलेगा। बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की, इसके बारे में मैं ज्यादा बोल रही हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है, लिटरली बहुत पसंद है। ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, लेकिन आपकी स्किन को बिल्कुल भी ये ड्राई फील नहीं कराएगा, डिहाइड्रेटेड फील नहीं कराता है। आपकी जो स्किन है आपको डीप हाइड्रेटेड फील होगी, मॉइस्चराइज फील होगी, तो ये इस मॉइस्चराइजर की खास बात है। एंड डेफिनेटली जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी स्किन में एक नेचुरल सा ग्लो बना रहे मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद, तो बिल्कुल इस मॉइस्चराइजर को यूज करने के बाद आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग, बहुत शाइनी लगती है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। ये 200 ml का प्रोडक्ट है जो कि 360 rupees में आपको मिलेगा अगर आप ऑफलाइन परचेस करोगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत ऑफर इसमें मिल जाएगा। मुझे भी ये कुछ 250 rupees में रिसीव हुआ है। एंड ये भी अगर आपको महंगा लग रहा है तो आप इसका छोटा यानी कि सबसे छोटा जो मिनी पैक आता है वो भी खरीद सकते हैं, वो जस्ट 50 rupees में आपको आई थिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो गाइज ये थे वो 4 बेस्ट मॉइस्चराइजर जो कि आप भी अपने लिए ले सकते हो अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आगे लेके आती रहूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर लेना। और बस अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। बाय बाय, टेक केयर।